नमस्कार। समय हम पहुंचे हैं रामा नर्सिंग कॉलेज कुतुबपुर में और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से रामा नर्सिंग कॉलेज में आज बच्चों का वेलकम और जो फेयरवेल पार्टी है उसका आयोजन किया गया है और बच्चों की इस प्रोग्राम को लेकर कितनी जो शानदार प्रस्तुतियां वो देख सकते हैं कि रामा नर्सिंग कॉलेज के बच्चे किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस यहाँ दिखा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहना है मैडम से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो डायरेक्टर सर हैं सुभाष संधू जी उनसे जानेंगे कि क्या कुछ बच्चों के लिए मैसेज रहेगा और किस तरह का नर्सिंग में ये स्कोप देखते हैं। तो आइए सबसे पहले मैडम से बातचीत कर लेते हैं। मैडम नमस्कार सर जी। तो आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए क्या कुछ प्रोग्राम। आज सर जो हमारा प्रोग्राम है वो ANM और GNM के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी जो फेयरवेल और फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया है सर। वो जो स्टूडेंट है हमारे पार्टिसिपेट्स हैं सर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए रखें कि जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हमारे आयोजन किया गया है सर, स्पेशली फेयरवेल्स के लिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स अभी आए हैं जो बैच शुरू हुए हैं उनके लिए फ्रेशर्स पार्टी रखी गई है सर। तो जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी इसके लिए किस तरह आपने तैयार की, क्या कुछ मतलब परफॉर्मेंस देखी, काफ़ी शानदार बच्चों ने परफॉर्मेंस सर जो हमारी अब भी है तो हमें टाइम कम दिया है सर ने, ओनली 1 वीक, तो उसके लिए वैसे अच्छी हुई है सर। हमने बहुत तैयारियां की है परफॉर्मेंस करने के लिए बच्चों को, और बच्चों ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया सर हमारे साथ, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। आप बताइए मैडम क्या नाम है, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम। सर मेरा नाम आंचल है और मैं नर्सिंग कॉलेज के भी टीचर नए नए मैंने ज्वाइन किया है सर। सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं सर, डिसिप्लिन भी पूरा है और हम उनको पढ़ाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आप बताइए आपका नाम और क्या कुछ कहोगे बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर। सर मैं सर सोनिया, परफॉर्मेंस वो तो आप देख ही चुके हो सब, बेस्ट रही है और कुछ कहने है ही नहीं कहने के लिए, मतलब मज़ेदार थी, धमाकेदार परफॉर्मेंस है सब जी। तो इस तरह की परफॉर्मेंस से क्या कुछ बच्चों में निखार आता है, क्या कुछ हो? सर ये कि स्टडी के साथ ना हर चीज़ ज़रूरी होती है कि स्टडी, अगर बच्चा स्टडी करेगा तो ये बच्चे के ऊपर थोड़ा अपने मतलब ये कई बार क्या होता है स्टडी की वजह से बच्चा डिप्रेस हो जाता है, लेकिन जो ये कल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं इससे क्या होता है बच्चा थोड़ा स्टडी से बाहर आता है, कुछ अलग माहौल बनता है जिससे क्या बच्चे का मेंटल स्टेटस थोड़ा ठीक रहता है। तो मतलब ये क्या है जो प्रोग्राम है मतलब साल में 2 या 3 बार मैक्सिमम होने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर क्या है हमें भी पता चले कि बच्चे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो बच्चे की क्वालिटी वो निखर के आती है इसके अंदर हमें पता चलता है। तो ये था जो रामा नर्सिंग कॉलेज का स्टाफ जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो ANM और GNM के बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी उसको लेकर क्या कुछ किस तरह की इन्होंने तैयारी की और परफॉर्मेंस को लेकर जैसे इन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की जो कल्चरल जो एक्टिविटी हैं वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो अब डायरेक्टर सर हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इस जो नर्सिंग के प्रोग्राम को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर बताइए आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहोगे। इस तरह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जब हम नया सेशन शुरू करते हैं नर्सिंग के उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जाता है। जो फाइनल ईयर है बच्चे जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो रिलीव होते हैं और उनकी हम यही शुभकामना करते हैं कि आगे क्षेत्र में जाके वो अपना नाम रोशन करें, जिसकी वजह से हमारा कॉलेज का, उनके परिवार का, उनके गांव और शहर का नाम रोशन हो। और जो नए विद्यार्थी होते हैं उनका यहाँ पे जब आगमन होता है तो उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जाता है। सर आमतौर पर देखा जाता है अभी 1-2 साल में जो नर्सिंग का स्कोप है काफ़ी बढ़ रहा है, तो विशेष तौर पर जो लड़कियाँ हैं वो इस तरफ जा रही हैं, तो क्या कुछ रीज़न मानते हैं आप? सबसे बड़ा रीज़न है रोज़गार का। अगर हम आज रोज़गार के क्षेत्र में आलंकन करें तो सबसे ज़्यादा रोज़गार सिर्फ नर्सिंग क्षेत्र का रह गया है, और केवल यहाँ नहीं विदेशों में भी इसका काफ़ी स्कोप डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पिछले 3-4 साल के अंदर नर्सिंग का जो अगर हम वैल्यूएशन करें नर्सिंग का जो देखें तो इसका स्कोप डे बाय डे बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें रोज़गार के सबसे ज़्यादा अवसर हैं। अगर आप देखोगे कि कैथल में जितने भी सिटी के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, हर क्षेत्र में नर्सिंग की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो रामा नर्सिंग कॉलेज की बात करें, कब आपने शुरू किया था और कितने के बच्चे यहाँ से मतलब कोर्स करके जॉब वगैरह प्राप्त कर चुके हैं? अगर हम देखे जाएँ 2008 में
अपने रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना हुई थी 2008 से लेकर के 2024 तक 16 वर्ष लगभग पूरे होने को हैं, और इस दौरान हज़ारों की संख्या में हमारे बच्चे जो प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, आज हमारा बच्चा अमेरिका, USA, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यानी कि हर देश के अंदर रामा कॉलेज का बच्चा आपको मिलेगा। और हम यही आशा करेंगे कि आने वाला टाइम में भी सिर्फ देश देश में भी, विदेशों में भी हमारा नाम ऐसे ही ये बच्चे रोशन करते रहें और अपना रोजगार प्राप्त करते रहें। सर, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, जो बच्चे आए हैं उनके लिए क्या कुछ कहोगे, क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा, और जो बच्चे यहाँ से फेयरवेल पार्टी आज लेकर जा रहे हैं उनको क्या कुछ कहोगे? जो बच्चे आज रिलीव हो रहे हैं उनकी हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि वो जिस जगह भी जाएं, जिस क्षेत्र में भी जाएं, जॉब करना चाहें या आगे स्टडी करना चाहें या फॉरेन कंट्रीज में चाहें, कि भगवान उनका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और अच्छा पद ग्रहण करें, जिससे हमारा नाम रोशन हो। और आने वाले बच्चों के लिए भी यही आशा करते हैं कि इन्हीं बच्चों की तरह वो भी अच्छी शिक्षा यहाँ से प्राप्त करके अच्छा पद प्राप्त करें।